समाज ने भी अपना समर्थन दे दिया है। आपको बता दें कि किसान आंदोलन में मुस्लिम समाज भी खुलकर सामने आया है। पानीपत टोल प्लाजा पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नमाज अदा की है। इस दौरान मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा कि किसान आंदोलन में वो किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। यहां आपको यह भी बता दें कि गत दिवस गाजीपुर बॉर्डर पर हुए प्रकरण के बाद किसान आंदोलन तेज होता दिखाई दे रहा है। एक तरफ जहां आज पानीपत जिले के अंदर टोल प्लाजा पर दोबारा लंगर लगना शुरू हो गया है और दूसरी ओर किसानों ने दोबारा टोल को फ्री करवाया है, जिसके बाद टोल प्लाजा पर धरना स्थल पर लगातार लोग इकट्ठा होने शुरू हो गए हैं। किसानों के समर्थन में मुस्लिम समाज भी अब खुलकर सामने आया है। उन्होंने कहा कि ये अकेले किसानों की लड़ाई नहीं है, ये पूरे समाज की लड़ाई है और किसानों की इस लड़ाई में वो किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को जल्द ही किसानों की मांगे मान लेनी चाहिए। बताते चले कि धरनास्थल पर किसानों के समर्थन में बैठे मुस्लिम समाज के लोगों ने धरनास्थल पर ही आज शाम की नमाज को अदा किया। मुस्लिम समाज के लोगों का कहना था कि नमाज को वह बहुत महत्व देते हैं और आज वह किसानों के साथ धरने पर बैठे थे, इसलिए उन्होंने अपने एक वक्त की नमाज धरनास्थल पर ही अदा की। मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा कि गत दिवस सरकार द्वारा गाजीपुर बॉर्डर पर जो किसानों की आवाज को दबाने की कोशिश की गई, उसमें सरकार नाकामयाब रही है, बल्कि इससे किसान आंदोलन और तेज हो गया है। अब हर किसान का परिवार आम मजदूर का परिवार जाग चुका है और इस आंदोलन का खुलकर समर्थन कर रहा है। कृषि कानून केवल किसान के विरोध में ही नहीं बल्कि पूरे समाज के विरोध में है, इसलिए सभी समाज के लोग किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। पानीपत से संवाददाता प्रवीण भारद्वाज की रिपोर्ट। सरकार को यही संदेश देना चाहते हैं कि सरकार को ये बातें कानून की मान लेनी चाहिए, तो कानून वापस कर लेने चाहिए। इससे पहले तो छोटी बात थी, अब पूरे मुल्क की पूरे जोर शोर से आवाज चल गई है। कल जो सरकार ने इनको दबाने की, उनको भगाने की कोशिशें की हैं, उनकी नाकामयाब रही है और उनके इरादे जो थे वो पूरे निष्फल हो चुके हैं। और अब हर आदमी जो सोया हुआ था, हर गांव से और हर परिवार से जाग चुका है और इस आंदोलन में शामिल हो चुका है और सरकार के ये कानून वापस लेने ही चाहिए सरकार को। सभी वर्गों के लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, मजदूर, हर समुदाय के लोग पहुँच रहे हैं। क्या संदेश, एकता का संदेश यहाँ से दिया जा रहा है? ये किसी एक आदमी का, किसी किसान का आंदोलन नहीं है, ये हर एक आदमी का, हर एक वर्ग के लोगों का आंदोलन हो चुका है, क्योंकि इसकी मार हर आदमी, गरीब भी सहेगा, अमीर भी सहेगा। हमने नमाज अदा इसलिए की कि हमारा नमाज का जो टाइम हो रहा था, नमाज अदा की। हम तो यहाँ पाँच वक्त, तीन चार वक्त नमाज पढ़ते ही हैं और ये सेवा में हम शुरू से सेवा का काम हमने शुरू करा था और सेवा में लगे हुए हैं। यहाँ पर किसान, मजदूर सभी खाना खाते हैं, सब चाय पीते हैं और सरकार से यही गुजारिश है कोई ये कानून वापस ले ले। लोग परेशान हो रहे हैं इतनी ऐसी ठंड में, औरतें, बच्चे, मर्द, तो सरकार को चाहिए कानून वापस ले लें। अरे तो आंदोलन तो बढ़ता जा रहा, किसान जो है ना, किसान मजदूर हर आदमी इस बात को समझ चुका है भाई ये हरदर्मी है, इन्होंने कानून वापस ले लेना चाहिए। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बैंक्वेट्स लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana, and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching, and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.